आरसीबी और गुजरात का मैच, और कल काफ़ी बोल सकते हैं हम लोग कि आरसीबी के लिए अच्छा मैच देखने को मिला हमें। और आरसीबी ने कल अच्छी बॉलिंग करी और पहले बैटिंग करते हुए जीटी ने जो स्कोर लगाया काफ़ी कम स्कोर देखने को मिला हमें। और गुजरात इस साल जो खेल रही है वो आपको देखने को मिलेगा कि खराब प्रदर्शन काफ़ी रहा है गुजरात का इस सीज़न। स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ था उनका, बट वही है कि मतलब कि जो उनकी टीम है उसमें बैलेंस इस तरीके से नहीं दिख पा रहा है हमें। और अगेन जो उनकी जो बैटिंग कॉलेप्स का देखने को मिला, 145 रन ही बना पाई उनकी टीम। और आरसीबी ने कल जिस तरीके से खेला है तो उनकी टीम जीती है। अभी सिर्फ 3 मैच बचते हैं उनके, पिछले 3 मैच उन्होंने जीते हैं यहाँ पे। अब आगे टूर्नामेंट में 3 मैच बचे हैं उनके पास में, पंजाब का एक मैच है, दिल्ली का एक मैच है, सीएसके का एक मैच है। और उसी में हम बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पे 3 मैच जीतते हैं तो आरसीबी के लिए बड़ा टर्न अराउंड होगा इस सीज़न। और हो सकता है कि प्लेऑफ खेलें, यहाँ पे 14 पॉइंट होंगे उनके। हालांकि कहीं ना कहीं नेट रन रेट वाली बात आ जाएगी, या दूसरी टीम अगर ज़्यादा पॉइंट लेती है वहाँ पे तो वो उसका प्लेऑफ खेलना तय दिखेगा हमें। बट कल जिस तरीके से विराट कोहली ने 5 डुप्लेसी ने जो इनिंग खेली है काफ़ी शानदार, बट वो ये कि क्लासिक आरसीबी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है। कल अगेन कॉलेज देखने को मिला हमें, 6 विकेट गिर गए थे आरसीबी के, बट वही था कि मतलब टारगेट ज़्यादा था नहीं, इस वजह से कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम जीती है यहाँ पे। और गुजरात के लिए आप बोल सकते हैं कि सीज़न काफ़ी ख़राब गया है। पहला सीज़न उन्होंने जब खेला तब जीता, अगला सीज़न में वो फाइनल तक खेले, बट वही है कि उनकी कप्तानी चेंज हुई है, नई कप्तानी देखने को मिली है शुभमन गिल की साइड से। और वही है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे लेग हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से मुंबई में चीज़ें हो रही हैं। और गुजरात की टीम इनिशियली काफ़ी अच्छा खेली थी, बट वही है कि अभी जो जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है काफ़ी डिसअपॉइंट किया उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में, आप बोल सकते हैं कि वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया उनका। और शायद से ही वो टीम भी प्लेऑफ के लिए यहाँ पे जाए, क्वालिफाई करें यहाँ पे। आगे देखते हैं किस तरीके टूर्नामेंट चलता है। बाकी आरसीबी ने जो 3 मैच बाकी अच्छे खेले हैं अपने, तो उससे कहीं ना कहीं उनके फैंस को होगी कि शायद से वो प्लेऑफ खेल सकते हैं। अगर वो यहाँ पे प्लेऑफ खेलते हैं तो बड़ा टर्नआउट होगा उनके लिए। बट वही है कि अभी बाकी टीमों के मैचेस भी हैं, आरसीबी को अपने भी 3 मैचेस जीते हैं यहाँ पे। और तीनों ही मैच आप बोल सकते हैं कि 3 में से फिर भी 2 मैच तो ठीक है उनके लिए, दिल्ली का मैच है, पंजाब का मैच है, बट सीएसके वाला मैच काफ़ी अच्छा होगा। पंजाब भी आप बोल सकते हैं कि पंजाब ने सीएसके को हराया है, तो वो भी एक चीज़ थी। तो आगे देखते हैं किस तरीके से चलती है। तो वीडियो को लेकर के मैच को लेकर जो भी कमेंट बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।